कम एन अदर वीडियो फ्राम करबला। मैं आपको ज्यारत कराने जा रहा हूँ मकाम अली अकबर अलैहिस्सलाम और मकाम अली असगर अलैहिस्सलाम की। तो आए ज्यारत करते हैं मकाम अली अकबर अलैहिस्सलाम की पहले, फिर चल के मकाम अली असगर अलैहिस्सलाम की ज्यारत करते हैं। यहाँ पर मुख्तलिफ तरह के कपड़े पर बैनर्स जिन पर शबीहें बनी हुई हैं यहाँ पर बनाए जाते हैं, जो कि बिल्कुल मकाम अली असगर और मकाम अली अकबर के करीब है। देख सकते हैं मुख्तलिफ तरह की ग्राफिक बनाई गई हैं यहाँ पर। ये अलम बने हुए हैं जिन पे मुख्तलिफ तरह का लिखा हुआ है। हरम की तस्वीरें कपड़ों पे प्रिंट की गई हैं। ये जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम की छवि बनाई गई है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जनाब अली अकबर को उठा के बैठे हुए हैं गोद में, और जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा साथ में सहारा बनी हुई है। मैं आपको लेके जा रहा हूँ मकाम अली अकबर अलैहिस्सलाम की तरफ, और उसके आगे है मकाम अली असगर अलैहिस्सलाम। ये मकाम अगर आप बाबे सिदरत से थोड़ा मकाम इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम की तरफ आएंगे तो सामने एक बोर्ड लगा हुआ है जहाँ पर मकाम अली अकबर लिखा हुआ है। थोड़ा सा उसके सीधी तरफ आएंगे तो सामने मकाम अली अकबर अलैहिस्सलाम है। ये वो मकाम है जहाँ पर जनाब अली अकबर अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया था। ये ऊपर ज़ियारत लिखी हुई है, अस्सलामु अलैका याबना रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका याबना नबीअल्लाह, अस्सलामु अलैका याबना अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका याबना हुसैन अश्शहीद, अस्सलामु अलैका अय्युहा अश्शहीद वाबना अश्शहीद, अस्सलामु अलैका अय्युहा अलमज़लूम वाबना अलमज़लूम। لعن الله أمتن قتلتكم ولعن الله أمتن ظلمتكم ولعن الله أمتن سمعت بذلك فرزيت به। अंदर उस जगह पर बैठ के ज़ायरीन नमाज वगैरह भी पढ़ते हैं। अभी इस वक्त लेडीज मौजूद है। अब मैं मकाम अली अकबर की ज़ियारत कराने के बाद आपको नेक्स्ट जगह मकाम अली असगर अलैहिस्सलाम पर लेके जा रहा हूँ। देख सकते हैं ये मकाम अली अकबर के सामने बाजार है जहाँ से कफन तस्बीहात और ये आलम पर जो है लगते हैं वो है। ये मशकीजे हैं, अक्सर ज़ायरीन यहाँ से लेकर जाते हैं। मशकीजे के साथ ये कोली लगी हुई होती है जिसमें आयात वगैरह और शिफा के लिए इसमें पानी डाल के पीते हैं। ये छोटे छोटे झूले की शबीहें बनाई गई हैं। अल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजा, कश्ती से एक तस्वीर दी गई है हजरत नूह की कश्ती की तरह। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कश्ती भी कश्ती निजात है। मकाम अली अकबर की ज़ियारत करने के बाद आ चुका हूँ मैं मकाम अली असगर अलैहिस्सलाम पर। ये सामने मकाम अली असगर अलैहिस्सलाम है जहाँ पर दो झूले रखे गए हैं शबीह के तौर पर। ये वो जगह है जहाँ पर अली असगर अलैहिस्सलाम को तीर लगा था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर आए थे कि चलो हम आपकी नज़रों में मुजरिम हैं, ये छोटा बच्चा 6 माह का, कोई जुर्म नहीं किया इसने, इसे 2 घूंट जस्ट पानी के दे दें। लेकिन यहाँ पर उर्मले ने
तीन फल्ला तीर मारा और जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम यहाँ पर शहीद हो गए। और यहाँ से जनाब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जनाब अली असगर अलैहिस्सलाम को लेकर खयामगाह की तरफ जनाब रुबाब अलैहिस्सलाम के पास ले गए थे। यहाँ पर लोग अक्सर जो बे औलाद होते हैं वो आकर यहाँ पर अपनी मन्नतें मानते हैं और जनाब रुबाब का वास्ता देकर जनाब अली असगर के सदके औलाद तलब करते हैं। ये ज़ियारत लिखी हुई है, ज़ियारत है अब्दुल्लाह रज़ी अस्सलामु अला अब्दुल्लाह इब्न अल हुसैन अत्तिकल रज़ी वल मरमी सरी अल मुतशहत दम अल मुसहद दम फिस समा अल मज़बूह बिसहम फी हिजर अभी लान अल्लाह रमिया फरमला न काहिल लासवी वज़ल। तमाम देखने वालों के लिए बहुत सारी दुआएं। ये देख सकते हैं छोटे छोटे ये सूट रखे हुए हैं, जो लोग औलाद के लिए मन्नत मानते हैं वो यहाँ से कुछ हदिया देकर इन झोलों में डाल के ले जाते हैं कि जब बेटा पैदा होगा तो हम यहाँ लेकर आएंगे और उसे ये लिबास पहनाएंगे। मुख्तलिफ कलर के हैं, वाइट कलर के, ब्लैक कलर के और ग्रीन कलर के। तो यहीं पर करते हैं आज की वीडियो का एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।